प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के महोबा में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बुंदेलखंड के वीरों को नमन किया। पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड के लोग मिट्टी से सोना पैदा कर सकते हैं, बस उन्हें पानी की जरूरत है। इस दौरान एसपी बीएसपी पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटने में लगे हैं, लेकिन मेरी पार्टी को प्रदेश बनाने की चिंता है। 10 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो एसपी बीएसपी का साथ छोड़ना होगा और बीजेपी को मौका देना होगा। समाजवादी पार्टी में जारी कलह पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक पार्टी को सिर्फ परिवार की चिंता है और दूसरी पार्टी को सत्ता में आने की। दोनों ही दल एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने विवादित 3 तलाक के मसले का जिक्र करते हुए मुस्लिम महिलाओं को समान हक दिलाने की बात कही। पीएम मोदी ने सवालिया लहजे में कहा, क्या टेलीफोन पर 3 तलाक देकर हमारी मुस्लिम बेटियों और महिलाओं की जिंदगी आगे चलेगी? तो बुंदेलखंड से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है और उम्मीद के मुताबिक पीएम ने समाजवादी पार्टी में जारी संग्राम पर चुटकी ली और बीएसपी को भी आड़े हाथ लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी को मौका देने की अपील भी की है। देखते रहिए डीबी लाइव।